यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार रोडवेज बस कैंटर से टकराने के बाद पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में रोडवेज के ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 39 यात्री घायल हो गए। हादसे में घायल 10 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। ये तस्वीर डिवाई कोतवाली क्षेत्र के रतनपुर गाँव के पास दिल्ली बदायूं हाईवे की है, जहां सिकंदराबाद रोडवेज की बस के परखच्चे उड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रोडवेज की बस अनियंत्रित कैंटर से टकराई और इसके बाद खाई में पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए। इस भीषण हादसे में 39 यात्री घायल हो गए, जबकि रोडवेज बस के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे और घायलों को हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर करा दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल शर्मा। मतलब ये हादसा कैसे हुआ है? प्रत्यक्षदर्शी हैं आप, आपने क्या देखा? हम ऐसा था कि इंदरौरा की तरफ से आ रहे थे, हम पीछे से अपनी बाइक से, और ये एक टेंटर है वो हमारे आगे आगे आ रही थी। उसके बाद में ये इधर से दिवाई की तरफ से रोडवेज जा रही थी निकल के, तो रोडवेज में टेंटर ने टकराई, साइड मारी। साइड मारने के बाद में वो थोड़ी सी डिसबेलेंस होने के बाद और जामिन के पेड़ में टकराई है। उसके बाद में जब हादसा हुआ है, अरे हादसा, पूरी गाड़ी की स्थिति क्या रही आपने जो देखा वहाँ? गाड़ी बिल्कुल डंप खत्म हो गई। मतलब आसपास कैसा माहौल था जब आपने वहाँ देखा? चीख पुकार मची थी, कितने लोग घायल थे? जितने खेत में लगे हुए थे सारे कपड़े हमारे भी हो रहे हैं और ये हमने बचाए निकाले हैं। सर, बदायूं स्टेट हाईवे पर हादसा हुआ है, कितनी कैजुअल्टी हुई है, क्या स्थिति है सर? ये हादसा जनपद बुलंदशहर के नरौरा थाने के रतनपुर गाँव के बाहर, अभी हम लोग जहाँ रोड पे खड़े हैं वहीं पे हुई है। और एक हमारी सिकंदराबाद डिपो की बस थी, वो दिल्ली से बदायूं जा रही थी, उसमें काफ़ी लोग सवार थे, 38 लोग घायल हुए हैं। जिला प्रशासन द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर और डॉक्टर की टीम द्वारा 22 लोगों को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। हमारी बात अलीगढ़ जिला प्रशासन से हो गई है, वहाँ उनके समुचित इलाज की व्यवस्था की जा रही है। बाकी के 16 लोगों को जिला अस्पताल बुलंदशहर रेफर कर दिया गया है, वहाँ भी सीएमएस से मेरी पर्सनल बात हो गई है, डॉक्टर की टीम मौजूद है, इलाज की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ आप मौके पे देख रहे हैं कि जो बस टकराई है उसको हटाने के लिए जो हमारी एआरएम रोडवेज और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम है वो काम कर रहे हैं। मतलब सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन दुखद घटना है। जो लोग भी घायल हुए हैं, इंक्लूडिंग एक ड्राइवर की मौत हुई है, उनके बारे में शासन की तरफ से हम लोग हादसे के बारे में जो यहाँ पे मौजूद थे और अन्य लोगों द्वारा बताया गया कि ऑपोजिट साइड से एक कैंटर आ रही थी और उसी में इम्बैलेंस होने के कारण जो बस के ड्राइवर थे उसको कैंटर को बचाने के प्रयास में बस वहीं से पेड़ से टकरा।